श्वेता सिंह कीर्ति ट्विटर छोड़कर गई थी, इस तरह की चर्चा थी और फैंस जो है काफी परेशान हो गए थे। अब श्वेता खुद वापस आई है ट्विटर पर और उन्होंने कहा है, सॉरी देयर वर मल्टीपल लॉगिन अटेम्प्ट्स बीइंग मेड ऑन माय सोशल मीडिया अकाउंट सो हैड टू डीएक्टिवेट देम। तो ये जो है उन्होंने खुद ही बोला है कि उनकी तरफ से ही हुआ था। देयर वर मल्टीपल लॉगिन अटेम्प्ट्स बीइंग मेड ऑन माय सोशल मीडिया अकाउंट सो हैड टू डीएक्टिवेट देम। तो हो सकता है कि किसी ने हैक करने की कोशिश की हो या बहुत सारे मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए, उन्होंने इस बात को कोई क्लैरिफाई नहीं किया, लेकिन उनकी जो बात है जैसे कि सॉरी बहुत सारे मल्टीपल लॉगिन अटेम्प्ट हुए थे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे और इसीलिए मुझे उनको डीएक्टिवेट करना पड़ा, तो जाहिर सी बात है उनका इशारा इसी बात की ओर है कि कोई जो है उनके अकाउंट को हैक करना चाह रहा था, लॉगिन करना चाह रहा था और इसीलिए उनको अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना पड़ा। दरअसल श्वेता सिंह कीर्ति का अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हुआ, उन्होंने डिलीट किया, इस तरह की बहुत सारी खबरें आई और उसके बाद फैंस जो है काफ़ी नाराज़ और निराश हो गए। आज सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 4 महीने पूरे हुए हैं और लगातार अगर मैं कहूँ तो पटना में आज प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में कैंडल मार्च हो रहा है, तो लोग जो है इस बात को लेकर आहत थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। जाहिर सी बात है लोगों को ये भी लगा कि परिवार जो है 4 महीने की लगातार आवाज़ उठाकर आहत हो चुका है क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा और इसीलिए क्या उन्होंने अपने अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दिया है। लेकिन अब जो है श्वेता ने खुद ही इस बात को क्लैरिफाई किया है और कहा है कि बहुत सारे मल्टीपल लॉगिन हो रहे थे और इसीलिए मुझे अपने सोशल मीडिया अकाउंट को डीएक्टिवेट करना पड़ा। लेकिन श्वेता के अकाउंट की डीएक्टिवेट हो जाने के बाद जो है विभोर ने निलोत्पल को पूछा और दोनों के बीच में ट्विटर पर बहुत ज़्यादा जो बहस हुई उसकी वजह से निलोत्पल ने जो है ट्विटर डीएक्टिवेट किया है। लेकिन देखना होगा कि क्या श्वेता की वापसी के बाद निलोत्पल जो है वो वापस आते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल जो है श्वेता ने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि उनके अकाउंट से जो लॉगिन हो रहे थे तो जाहिर सी बात है सेफ्टी और सिक्योरिटी के चलते उन्होंने कुछ समय के लिए अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया था।